हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डैंड्रफ मतलब रूसी एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत से लोग परेशान हैं। आजकल छोटे बच्चों को भी डैंड्रफ हो जाता है और डैंड्रफ के वजह से बालों का गिरना, सिर में खुजली होना और भी इसी तरह की बहुत सी प्रॉब्लम होने लग जाती हैं। हम बाज़ार से महंगे और केमिकल वाले शैम्पू ला के इस्तेमाल करते हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, और जब हम इन्हें यूज़ करना छोड़ दें तो फिर दोबारा से वही प्रॉब्लम होने लग जाता है। इसीलिए आपको नेचुरल तरीके से इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ हम यहाँ पे घरेलू नुस्खे बता रहे हैं जिनके इंग्रेडिएंट्स बड़ी आसानी से हमें हमारे किचन में मिल जाते हैं और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे 7 होममेड रेमेडीज़ बताएंगे जो बहुत ज़्यादा असर करता है और बहुत जल्दी इससे आप डैंड्रफ से छुटकारा पा सकते हैं। तो हमारा पहला होममेड रेमेडी जो है, उसके लिए आपको 2 चम्मच ऑलिव ऑयल को हल्का गर्म करना है और इसमें 2 चम्मच शहद मिलाना है। अपने बालों की जड़ों में मालिश करें इससे, और 15 मिनट के बाद अपने बालों को धो लें। हमारा सेकेंड होम रेमेडी है, कोई भी दोस्तों खट्टी चीज़ डैंड्रफ को दूर करने में सहायक है। तो सेब का सिरका डैंड्रफ दूर करता है। आपको 4 चम्मच सिरका लेना है और इसमें 4 चम्मच पानी मिक्स करना है। अब इसे सर पे लगा के अच्छे से मालिश करना है और आधे घंटे बाद बाल को सादे पानी से धो लेना है। हमारा थर्ड जो होम रेमेडी है, उसके लिए हमें 2 चम्मच काली मिर्च पाउडर लेना है, 1 कप दही लेना है और इन दोनों को अच्छे से मिला के अपने बालों में लगाना है। 1 घंटे के बाद बालों को शैम्पू कर लेना है। हमारा फोर्थ होम रेमेडी है, रूसी हटाने के लिए आपको एलोवेरा जेल का भी प्रयोग बहुत फ़ायदा करेगा। इसके लिए आपको एलोवेरा की ताज़ी पत्तियों से जेल निकालना है और इसे अपने बालों पे अप्लाई करना है। आधे घंटे के बाद बालों को शैम्पू करना है। दोस्तों, हमारा फिफ्थ होम रेमेडी है फेनुग्रीक, जिसे हम मेथी कहते हैं। ये भी रूसी दूर करने में बहुत कारगर है। 2 चम्मच मेथी को रात भर पानी में भिगा दीजिए, सुबह ग्राइंड करके एक महीन पेस्ट बना लें। आधे घंटे आपको इसे अपने बालों में रखना है। अगर आप इसका ज़्यादा फायदा चाहते हैं तो आप इसमें नींबू का रस या दही भी शामिल कर लीजिए तो आपको और ज़्यादा इसका फायदा मिलेगा। अब जिस पानी से में आपने मेथी भिगाया था, उस पानी को आप फेंके नहीं। इस पानी को आप आफ्टर शावर हेयर टॉनिक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा सिक्स्थ होम रेमेडी है, अदरक के रस को तिल के तेल में मिलाकर सिर की मालिश कीजिए। 15 मिनट के बाद बालों को धो लें। ये बहुत ही फायदेमंद उपचार है। ये आपके सर में जो फंगल इन्फेक्शन है इसको भी ठीक करेगा। हमारा सेवन होम रेमेडी है, अपने शैम्पू में एस्प्रिन की गोली को का पाउडर करके मिक्स कर लीजिए। अब इसे अपने बालों में 5 मिनट लगा के रखिए। 5 मिनट के बाद अपने बालों को पानी से धो लीजिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ ऐसे होम रेमेडीज जो आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड, बाय।